हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटर ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। ओके, ये सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल जो कि बिल्कुल हिंदी में ये बनता है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। ओके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे हम ऑपरेटर ऑपरेटर की। ओके, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो इसका कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। ओके, कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, और वो टर्म एंड कंडीशन क्या होता है उस बात को ही बेसिकली हमें समझना है। सिंपली देखिए, यहाँ कहा यह जा रहा है कि इट इज सिंपली ए सिंबल डेट इज यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। ठीक है, बेसिकली इसे कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो होता है हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपली मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा। सिंपली अगर यहाँ पर लिखे हैच इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और मैं यहां बना देता हूं int main, ठीक है, int main, और यहां पे इसके नीचे मैं ये इस तरह से करली ब्रैकेट लूंगा। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं int x इक्वल टू 10, ठीक है, x इक्वल टू 10। बस आप कंटिन्यूसली फोकस बना के रखें, आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ क्या करता हूँ कि चूंकि ये ऑपरेटर के तरह काम करता है तो कुछ ना कुछ ये ऑपरेट करेगा, कुछ ना कुछ कंडीशंस लगेगा यहाँ पे जो कि किसी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, किसी पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, इन बातों को बेसिकली हमें ध्यान देना होता है। ऑपरेटर बेसिकली हम कहते ही उसे। ओके, यहाँ मैं एक कंडीशन देता हूँ। देखिए ये अगर इफ, अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन सीधा सा इसका मतलब ये होता है कि इफ का मतलब होता है अगर, यानी इसके आगे पैरेंथेसिस में जो भी चीज़ लिखेंगे अगर वो ट्रू होगा तो उस के नीचे जो अभी हम ब्लॉक बनाने जा रहे हैं वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, ठीक है, x, अगर मैं यहाँ लिख दूँ x ग्रेटर देन अगर 10 है, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 10, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ एग्जीक्यूट हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ एग्जीक्यूट हो, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं, कंसोल पे किसी चीज को प्रिंट कैसे करते हैं, तो प्रिंट एफ फंक्शन से, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम प्रिंट एफ फंक्शन और इसके अंदर लिखेंगे अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियसली इसमें लिखेंगे ग्रेटर नंबर, ठीक है, सिंपली इतना आप लिख करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर इफ एक्स ग्रेटर देन होगा तो ये आउटपुट क्या प्रिंट होगा, ग्रेटर नंबर कंसोल स्क्रीन पे। अगर लेस हो तो क्या होगा, तो इसके लिए कंडीशन आता है एल्स, ठीक है, यानी कि अगर ये जब इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो एल्स नहीं भी लगाऊँ कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इससे दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि आप एज ए बिगिनर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे, मतलब कुछ एग्जीक्यूट हुआ भी या नहीं हुआ, कैसे हुआ नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाएगा। ओके, तो उसके लिए करते क्या है कि इफ और एल्स पार्ट को एक साथ लाते हैं, ठीक है, इफ और एल्स पार्ट को एक साथ लाते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि प्रोग्राम मतलब सच में वो रन किया है या नहीं किया है। इसके अंदर आप चाहें तो कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो भी जो पार्ट में एग्जीक्यूट करवाने जा रहा हूँ वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, तो इस वाले पार्ट में लिखता हूँ
प्रिंट एफ, इसके अंदर क्या लिखना है, लेस लेस नंबर। ओके, यानी कि ये अब क्या होगा कि अगर इफ पार्ट ग्रेटर हो जाता है 10 से तो ग्रेटर नंबर कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए, एल्स लेस नंबर कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटीजर जो है यहाँ पे डेटा टाइप है, ये मैं सभी वीडियो में ऑलमोस्ट बताते आ रहा हूँ कि इंटीजर जो है वो क्या है, डेटा टाइप है, और एक्स क्या है, उसका वेरिएबल है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम है, और उसको कितना वैल्यू हमने असाइन किया है 10, कि उस मेमोरी ब्लॉक में वो वैल्यू 10 जा करके रख दे, 10 जा करके रख दे। ओके, सो अब बात आती है कि ये कंडीशन हम चेक करें, सिंपली रिटर्न यहाँ पे 0 भी लगा देंगे, सिंपली करना है सेव। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ कर देना है सेव। यहाँ कह रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस इट, ऑलरेडी ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, यस, जो प्रोग्राम आपने लिखा है इससे आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने कर दिया रिप्लेस। तो देखते हैं अब एग्जीक्यूट क्या आता है। कंपाइल किया, सबसे पहले कंपाइल करना होता है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट पे क्लिक करके रन करना है। तो देखिए लेस नंबर, अब इसलिए बात है क्या ये यहाँ पे इन्होंने जो कंडीशन चेक किया, क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि ये फॉल्स है तो इसे ये देखेगा भी नहीं, मीन्स सिर्फ ओनली चेक करेगा और इसके अंदर के पार्ट को देखेगा भी नहीं, और एल्स वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि इसको अगर उल्टा कर दूँ, यस, अगर मैं ये कहूँ कि एक्स लेस देन 10 है, ठीक है, एक्स लेस देन 10, तो क्या देखिए कि x की वैल्यू 10 से लेस है, ये तो इक्वल है, अभी भी कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये नीचे वाला एल्स पार्ट है। देख लेते हैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन एक साथ करते हैं, तो लेस नंबर अभी भी आ रहा है। ओके ओके, अब क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 11। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 11 जो है, और ये सिंबल जो है, जैसा कि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, ये सिंबल जो है ये बिल्कुल ही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस ब्लॉक को प्रिंट करने के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कंडीशन बिल्कुल ही ट्रू है, क्योंकि यहाँ देखिए x में हमने कितना वैल्यू रखा है 10, तो 10 यहाँ आप रख दीजिए इस जगह, और कंपेयर कीजिए कि 10 वाकई लेस देन 11 है, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, ऐसा है तो ये वाला पार्ट को प्रिंट कर दो, अदरवाइज नहीं है तो ये पार्ट को प्रिंट कर दो, इतना ही कर सकते हैं। तो सिंपली इसे करना है सेव, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट के बाद जो है कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है। तो देखिए ग्रेटर नंबर आ गया, ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो बातें हम कर रहे हैं उसकी ही बात कर रहे हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली ऑपरेटर होता है जो किसी ना किसी चीज को ऑपरेट करे, किसी ना किसी चीज को ऑपरेट करे, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटर जो होता है बेसिकली ये 7 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो है आप कह सकते हैं कि इसमें जो होता है प्लस होता है कॉमा माइनस होता है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारा किसके अंदर आता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, किसके अंदर आता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आता है। ऑपरेटर ऑपरेशन दोनों एक ही बात है, तो ये किसके अंदर आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। अब आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पे क्या हो रहा था कि इक्वल टू का कंडीशन हमने चेक नहीं किया था, लेस देन और ग्रेटर देन का चेक किया था। तो रिलेशनल ऑपरेटर में जो आता है वो आ जाता है इक्वल। दो इक्वल का क्या मतलब होता है, एक का मतलब होता है, देखिए जब भी आप इक्वलिटी चेक करेंगे तो आपको डबल इक्वल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वल चेक करता है कि इस वैल्यू को उसके साथ असाइन किया गया है, दूसरा चेक करता है कि वाकई में इक्वल है या नहीं।
तो जब भी आप इक्वलिटी चेक करें तो डबल जो है इक्वल टू लगा करके ही चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो एक ये नॉट इक्वल टू आपको हम लगा करके मैं प्रोग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कुछ प्रिंट हो गया था। यस, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि एक्स नॉट, क्योंकि देखिए नॉट का सिंबल ये है, इसके अनुसार चेक करूँगा, तो यहाँ पे अगर हम बोले एक्स नॉट इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू होगा? नॉट इक्वल टू 10 है या इक्वल टू 10 है? तो नॉट इक्वल टू, तो कहने का मतलब ये कंडीशन ही फॉल्स हो जा रहा है। जब ये कंडीशन ही फॉल्स हो जा रहा है तो कहने का मतलब फिर से ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल एस से मैं इसे कर देता हूँ सेव, ठीक है। कंट्रोल एस से इसे कर देता हूँ सेव, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेव करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जाना है एग्जीक्यूट पे, कंपाइल एंड रन। देखिए लेस नंबर अभी भी बता रहा है, ओके, अभी भी क्या बता रहा है, लेस नंबर। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे कर देना है 11, 11 करेंगे तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ट्रू हो, क्योंकि ऑब्वियसली 10 नॉट इक्वल टू 11 होता है। तो यहाँ पे करना है, सबसे पहले करना है कंट्रोल एस सेव, सेव करने के बाद जाना है एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर इन्होंने बता दिया, ओके। सो अब क्या बात आती है, अब बात ये आता है कि ये सारे ऑपरेटर बाकी के क्या करते हैं। तो देखिए शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब होता है कि राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, इसका काम ये करता है, ठीक है। अगर किसी को राइट शिफ्ट करना है तो ये राइट शिफ्ट करवा देगा, लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट करवा देगा। अब देखिए उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड और नॉट, उसके बाद बीट वाइज में जो होता है सारा शिफ्ट ऑपरेटर भी इसके अंदर ही आ जाता है, टर्नली और कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है उस एज इट इज जो होता है वो इसकी तरह ही होता है, ये फेल्स की तरह ही होता है। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो असाइन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम ऑपरेशन के बारे में जो है पढ़ते हैं, ओके। तो इसके लिए जो है अब हम जो है आपको प्रोग्रामिंग करके